पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली की में बारिश के बीच सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर किसान लगातार 42 दिन से डटे हुए हैं। सरकार से बातचीत अभी चल रही है, लेकिन इस बीच आंदोलन भी जारी है और मौसम का ये जो असर है वहां पर किस कदर पड़ा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर खुले आकाश के नीचे बैठे हैं किसान। और ऐसे में जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो टेंट्स हो या सड़क पर ही गद्दे बिछाकर, बिस्तर बिछाकर बैठे हैं किसान, तो ऐसे में परिस्थितियां विकट। और किसानों की तरफ से कहा भी गया कि एक परीक्षा सरकार ले रही है और दूसरी परीक्षा कुदरत ले रही है। तस्वीरें देखिए, टेंट के ऊपर आपको जो ये छत बनाई गई दिखाई दे रही है, वहां पर पानी इकट्ठा हो चुका है बारिश का। दिल्ली NCR में तो आज कई जगह ओले भी गिरे हैं और ऐसे में किसानों की मुश्किलों का अंत नहीं। आठवें दौर की अब बातचीत होनी है, जिसके लिए 8 तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन अब देखना यह है कि जो गतिरोध अब तक नहीं टूटा कानून वापसी को लेकर, तो उस सूरत में अगली बैठक में क्या हो जाएगा। हालांकि किसान आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं लगातार। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक बड़ी चुनौती इस वक्त मौसम बना हुआ है किसानों के लिए, और ऐसे में कल जिस मार्च की बात की जा रही है, कल भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, इसके मद्देनजर क्या प्लान है, कैसे इस मार्च को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, पहले हम मौसम की बात दिखाएं कि किस तरीके से परेशानी जो बढ़ी हुई है, सड़क का हाल हम दिखाते हैं, हर तरफ कीचड़ और पानी नजर आ रहा है। जो बुजुर्ग किसान हैं उनके लिए खासतौर पर परेशानी है, और उनकी हम तस्वीरें यहाँ दिखाएं कि किस तरीके से अलाव जल रहा है, कई किसान आराम कर रहे हैं, कईयों की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इस बीच में जो आपने बात कही कि किसान अपने आंदोलन को बनाए हुए हैं, वो कहीं भी डिगने का नाम नहीं ले रहा है।